हसीना थी सीजन टू, जी हाँ एक हसीना थी के सीजन टू के बारे में बात करेंगे। सो गाइस चलते हैं फिर बिना किसी लंबी बहस के अपने आज के इस टॉपिक पर। अगर इसके सीजन वन के बारे में बात करें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सीजन सुपर डुपर हिट सीजन था। जी हाँ, इसकी जो स्टोरी थी वो लोगों ने खूब पसंद की थी। इसकी स्टोरी को, संजीदा शेख की एक्टिंग को, वत्सल शेठ और बाकी सारे किरदारों की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था और लोग चाह रहे थे कि जब इसका सीजन वन ऑफियर हो तो हमें इसका सीजन टू बहुत जल्द देखने को मिले। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2014 को इसको ऑफर कर दिया गया था। जी हाँ, इसको 4 अप्रैल 2014 को ही ऑनियर किया गया था, तो 20 दिसंबर 2014 को ही इसको ऑफर कर दिया गया था। इसके टोटल एपिसोड इतने ज्यादा नहीं थे, 235 एपिसोड थे, लेकिन फिर इसको ऑफर कर दिया गया था। लेकिन स्टोरी इसकी बहुत अच्छी थी, लोग इसको खूब पसंद कर रहे थे। लोग वत्सल शेठ, संजीदा शेख इन सबकी एक्टिंग को भी खूब पसंद कर रहे थे और लोग चाह रहे थे कि इसके सीजन टू भी बहुत जल्द हमें देखने को मिले। लेकिन काफी टाइम हो गया है, 2014 को इसका लास्ट एपिसोड आया था और काफी टाइम हो गया है इसका सीजन टू हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन गाइस का वाकई अब हमें इसका सीजन टू देखने को मिल सकता है। सो गाइस क्यों नहीं हमें देखने को मिल सकता है? जैसा कि आपको पता है कि सीजन टू के ही सीजन चल रहे हैं, तो हमें इसका सीजन टू भी देखने को मिल सकता है क्योंकि सीजन टू ही चल रहे हैं। लोग मेकर जो हैं वो सीजन वन के सीजन टू लेकर आ रहे हैं और पब्लिक जो है वो पसंद कर भी रही है सीजन टू के। जी हाँ, जितने भी सीजन टू आए हैं पब्लिक ने उनको पसंद किए हैं और सुनने में ये भी है कि हमें इसका सीजन टू भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन से किरदारों के साथ? जैसा कि आपको पता है कि पुराने किरदार वत्सल शेख, संजीदा शेख और भी बहुत से किरदार हैं और नए किरदारों में रणदीप राय, जेनिफर विंगेट, जैन इमाम, ऐसे बहुत और एक्टर्स हैं जो एक हसीना थी का सीजन टू में अपना किरदार निभा सकते हैं। जी हाँ, रणदीप राय भी एक मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी हैं, जेनिफर विंगेट, जैन इमाम भी एक मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी हैं और ये भी हमें एक हसीना थी का सीजन टू में देखने को मिल सकते हैं। और भी बहुत से एक्टर्स हैं जो हमें एक हसीना थी का सीजन टू में देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखना यह है कि मेकर्स क्या डिसाइड करते हैं, इन लोगों को लेते हैं या पुराने किरदारों को लेते हैं या और कोई नए किरदार को लेते हैं। ये तो सभी डिसाइड होगा जब इसका सीजन टू आएगा। बाकी गाइस आप लोग क्या चाहते हैं, एक हसीना थी का सीजन टू में हमें पुराने किरदार ही देखने को मिले या नए किरदार देखने को मिले, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग चाहते हैं वाकई ही कि हमें जैन इमाम, जेनिफर विंगेट और रणदीप राय ही देखने को मिले, मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।